नमस्कार, प्राइम टाइम के खास बुलेटिन टॉकिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। इस बुलेटिन में बात करेंगे उन खबरों की जो दिन भर चर्चा का विषय यानी कि टॉकिंग पॉइंट रही। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव में नए मतदाताओं को साधने में जुटी बीजेपी। 24 जनवरी को पीएम 50 लाख युवाओं से करेंगे संवाद। कांग्रेस का तंज, बेरोजगारों को रोजगार दे सरकार। दिल्ली में एमपी कांग्रेस प्रभारियों की बैठक। फरवरी तक लोकसभा प्रत्याशी घोषित करने की रणनीति। कोऑर्डिनेटर्स क्षेत्रों में दौरा कर बनाएंगे 2 से 3 नामों का पैनल। लोकसभा में पहले से ज्यादा सीटें जीतेंगे पार्टी नेताओं के साथ सचिन पायलट ने बनाई रणनीति। अंतरकलह पर कहा कि हर पार्टी परिवार में होते हैं मतभेद। बीजेपी का तंज, छत्तीसगढ़ में अभी और बिखरेगी कांग्रेस। राम मंदिर के आमंत्रण को अस्वीकार करने पर घिरी कांग्रेस। पार्टी नेताओं ने फैसले का किया विरोध। पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा निमंत्रण ठुकराने का क्या मतलब। जबलपुर महापौर जगत बहादुर ने कहा अयोध्या जरूर जाएंगे। पखांजर में बीजेपी नेता असीम राय हत्याकांड में बड़ा खुलासा। कांग्रेस नेताओं ने सुपारी देकर करवाई थी हत्या। 11 आरोपी गिरफ्तार, शूटर फरार। और इंदौर पहुंची भारत अफगानिस्तान की टीम। होलकर स्टेडियम में 14 जनवरी को दोनों टीमों के बीच होगा T20 मैच। सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाए है टीम इंडिया। और चलिए शुरुआत करेंगे टॉकिंग पॉइंट की। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी। इसी तैयारी को लेकर दिल्ली में एमपी कांग्रेस की एक बड़ी बैठक बुलाई गई। बैठक में मध्य प्रदेश के सभी 29 लोकसभा कोऑर्डिनेटर शामिल हुए जिन्हें जरूरी निर्देश दिए गए हैं। मीटिंग में फरवरी तक लोकसभा प्रत्याशी घोषित करने पर चर्चा हुई। कोऑर्डिनेटर्स को कहा गया है कि वो 18 से 24 जनवरी के बीच अपने लोकसभा क्षेत्र का दौरा करें और 30 जनवरी तक दौरे की रिपोर्ट AICC को भेजें। इसके साथ ही 2 से 3 नामों का पैनल भी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुटी है और मध्य प्रदेश कांग्रेस खास तैयारियों में जुटी हुई है। बैठकों का दौर लगातार जारी है और इसके साथ ही जो कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए गए हैं ये क्षेत्रों का दौरा करेंगे। एक पैनल 2 से 3 नामों का तैयार करेंगे और रिपोर्ट AICC को सौंपी जाएगी। और बीजेपी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर उन नए वोटर्स का समर्थन हासिल करने पर जोर दे रही है जो इस बार के चुनाव में पहली बार अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसी कोशिश के जरिए बीजेपी युवा मोर्चा 24 जनवरी को देश भर में 5,000 जगहों पर नए वोटर्स का सम्मेलन करने जा रही है। इस सम्मेलन में पीएम मोदी 50 लाख नए वोटर्स से वर्चुअली संवाद करेंगे। दूसरी ओर बीजेपी के इस कार्यक्रम पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस ने कहा कि संवाद करने से कुछ नहीं होगा, युवकों को बीजेपी रोजगार भी दे। बदले हुए भारत में एक विश्व शक्ति के रूप में भारत को बनाने के लिए युवा मतदाता मोटिवेट हो, उसकी दिशा तय हो, इसलिए माननीय मोदी जी का उद्बोधन बहुत महत्वपूर्ण होगा और राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत निर्णायक होने वाला है। 80 करोड़ लोगों को गरीब बनाकर, लगभग 25 करोड़ लोगों को बेरोजगार बनाकर केवल संवाद करने से काम हो जाएगा? लोगों को रोजगार देना पड़ेगा अगर देश को विश्व गुरु बनना है तो। उनके हाथ में काम देना होगा, उनको जो है रौंद कुचल के, उनको जो है आप अपाहिज बना के, उनको जो है विवश बना के देश तरक्की नहीं कर सकता। प्रदेश प्रभारी बनने के बाद सचिन पायलट पहली बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे। 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन पायलट ने प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक ली और लोकसभा चुनाव में जीत का दावा भी किया। तो वहीं दौरे के दूसरे दिन पायलट ने चुनाव समिति की बैठक ली। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज शामिल हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति के साथ कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने को लेकर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही एकजुटता का संदेश देने की कोशिश भी कांग्रेस ने की है। इसके बाद पायलट ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा ये सुनवाते हैं। बीजेपी को हम लोगों ने हराया, हिमाचल प्रदेश में हराया, कर्नाटका में हराया और अभी जैसे मैंने कल कहा राजस्थान में सरकार को बने 1 महीना हुआ है, वहां पे एक उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में, चलते चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार को आचार संहिता लागू होने के बावजूद भाजपा के उम्मीदवार को आपने मंत्री बना दिया।
और जनता ने 12,000 वोट से कांग्रेस पार्टी को जिताया है वहां पर, तो ये जनता बड़ी विवेक से अपने मत का प्रयोग करेगी। और जो लोग बड़े अति आत्मविश्वास में आज खोए हुए हैं उनको ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि जनता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डालेगी और छत्तीसगढ़ के लोग मैं समझता हूँ बड़े समझदार लोग हैं, संवेदनशील लोग हैं। हर दल, हर पार्टी, हर परिवार में कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर कुछ छोटा मोटा मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद किसी का नहीं है। मैं प्रदेश के तमाम नेताओं से व्यक्तिगत संपर्क में हूं और सबका एक ही ध्येय है, हम कैसे एकजुटता से लड़कर आगे बढ़ें, चुनाव जीतें और कांग्रेस को मजबूत करें। तो भाजपा को चर्चा करनी चाहिए, खाद, बीज, बिजली, पानी, रोजगार, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, इस पर चर्चा नहीं करते हैं। आज जो खाई बन गई अमीर गरीब की, वो कभी देखी नहीं है। कांग्रेस की सरकार जब थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से हमने हटाया था। आज जो खाई बनी अमीर गरीब की, वो अकल्पनीय है। उधर सचिन पायलट का ये पहला दौरा है छत्तीसगढ़ में, जब प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पायलट दौरे पर पहुंचे, लेकिन इस पर बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं। अरे भाई, राम जन्मभूमि और राम जी का आप क्या काउंटर करोगे? वो पूरे देश नहीं दुनिया के भगवान है और सनातन की अगुवाई करने वाले और सनातन को मानने वाला ये देश है। पहले अपने दिमाग को ठीक कर लेना चाहिए कि जिस देश के अंदर में आप रहते हो और हम रहते हैं, वो देश सनातन को मानने वाला है। अब देखो, कोई हवाई जहाज का पायलट बदल गया, उससे कोई सोच नहीं बदल सकती है और उससे होना जाना कुछ नहीं है। और यहाँ पर हवा में जो है लाठी चला रहे हैं और उनको मालूम है, पहले अपनी पार्टी के ढांचे को ठीक करें और उससे भी बड़ा अपनी सोच को ठीक करें। अपने राष्ट्रीय नेताओं को बताया कि वो सोच अच्छी रखे और राम मंदिर के लिए बुलावा आया है वहाँ पर जाए। ये कलह बढ़ेगी और एक कांग्रेस बिखरेगी छत्तीसगढ़ के अंदर में। ये आने वाले लोकसभा चुनाव में भी देखेगा और आने वाले समय में और अधिक दिखेगा कि एक बिखरी हुई कांग्रेस, वो कार्यकर्ता खोज रहा है कि मेरा भविष्य कहाँ पर है और मैं अपने वर्तमान जीवन को कहाँ पे सुधार सकता हूँ, संवार सकता हूँ, लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए मैं कहीं भागीदार बन सकता हूँ क्या, जो काम करने वाला कार्यकर्ता है। वो सारे लोग अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं। गांधी की न्याय यात्रा में जुटे कांग्रेस पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने मणिपुर ऑब्जर्वर बने हैं। मणिपुर कांग्रेस के साथ काम के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जिम्मेदारी सौंपी है। तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा में कांग्रेस जुट रही है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया मणिपुर के ऑब्जर्वर बनाए गए हैं और मणिपुर कांग्रेस के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व मंत्री शिव डहरिया जो कि मणिपुर के ऑब्जर्वर बनाए गए हैं न्याय यात्रा को लेकर, और इसके साथ ही देखिए इस यात्रा को लेकर बयानबाजी भी तेज है। हालांकि बीजेपी भी इस यात्रा पर लगातार तंज कसती आई है, लेकिन कांग्रेस का यात्रा को लेकर यही कहना है कि इस यात्रा की सफलता कांग्रेस को जरूर मिलेगी। और आज रात उज्जैन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उज्जैन में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम। सुबह 6 बजे राहगीरी कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। संभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी मुख्यमंत्री करेंगे। कोठी पैलेस स्थित प्रशासनिक भवन में बैठक होगी, जिसमें शिप्रा नदी शुद्धिकरण को लेकर चर्चा की जाएगी। सेहत 2028 की तैयारी को लेकर भी बैठक में समीक्षा होगी। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो कि उज्जैन पहुंच चुके हैं, और ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, रात्रि विश्राम भी आज उज्जैन में ही किया जाएगा। इसके साथ ही देखिए मुख्यमंत्री पहुंच गए उज्जैन, बैठक होगी जिसमें शिप्रा को लेकर, शिप्रा के शुद्धिकरण को लेकर चर्चा की जाएगी और रात्रि विश्राम भी मुख्यमंत्री उज्जैन में ही करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय छात्र संसद में शामिल हुए। यहां चौहान ने सियासत को लेकर युवाओं को गुरु मंत्र दिए तो कुछ यादें भी ताजा की। शिवराज ने कहा कि वो रिजेक्टेड नहीं है, उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो सियासत नहीं छोड़ेंगे। हालांकि उन्होंने राजनीति और नेतागिरी को लेकर यूथ को सचेत भी किया है। मुझे कहा फार्मर चीफ मिनिस्टर, लेकिन अपन रिजेक्टेड नहीं है। कई बार आदमी कब छोड़ते हैं, जब जनता नकार दे, लोग गाली देने लगे, बहुत दिन हो गया यही बैठा हुआ है।
अपन छोड़ के भी आए तो ऐसे आए कि जहां जाते हैं लोग कहते हैं मामा 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 मामा, लेकिन छोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति नहीं करूंगा, अभी भी करूंगा, किसी पद के लिए नहीं। राजनीति केवल पदों के लिए नहीं होती, राजनीति बड़े लक्ष्य के लिए, और उसी का आह्वान आपसे करने आया हूं। मित्रों, आना पड़ेगा तुम में से कई को राजनीति में, इसलिए कि कई काम बाकी है जो पूरे करने। राजनीति में आने से डरो मत, आगे बढ़ो, आओ। अगर तुम नहीं आओगे तो कौन आएगा? बेईमान आए। अगर हम बेईमान नहीं है, हम अच्छे हैं, हम ईमानदार हैं, हम कर्मठ हैं, हम चरित्रवान हैं, हम देशभक्त हैं, हम राजनीति छोड़ दें तो क्या केवल चोरी करने वालों के लिए राजनीति सौंप दें? और अगली खबर भोपाल से है। सेंट्रल जेल में भूख हड़ताल पर बैठे सिमी आतंकी और मिलाई पर नमाजी टोपी पहनने की मांग की है। सामूहिक नमाज अदा करने पर जोर दिया जा रहा है। तो गुरुवार से हड़ताल पर सिमी के आतंकी बैठे हुए हैं। जेल प्रशासन पर दबाव भी बनाया जा रहा है। सामूहिक नमाज अदा करने पर जोर दे रहे सिमी के आतंकी गुरुवार के दिन से हड़ताल पर बैठे हैं और जेल प्रशासन पर दबाव बनाने की ये कोशिश की जा रही है। तो मिलाई पर नमाजी टोपी पहनने की मांग के साथ सामूहिक नमाज अदा करने पर जोर दिया जा रहा है। संवाददाता दीपक द्विवेदी जुड़ गए हैं। दीपक, क्या ज्यादा जानकारी इस मामले को लेकर? गुरुवार से हड़ताल जारी है, लेकिन इस पर क्या कुछ जेल प्रशासन का कहना है? जी, मैं बता दूं कि बीते दिनों की यदि बात करें तो 3.5 महीने तक ये भूख और प्यास हड़ताल पर बैठे हुए थे सिमी के आतंकी। वापस अब 4 आतंकियों ने हड़ताल जेल प्रशासन के खिलाफ छेड़ दिए। उनका पूरा तरीके से जेल प्रशासन पे दबाव बनाना है कि उन्हें की जो मांग है वो जो इल्लीगल मांग है वो अपनी पूरी कराना चाहते हैं। जैसे कि वो चाह रहे हैं कि न्यूज़पेपर दिया जाए, उन्हें घड़ी दी जाए, तलाशी से रिलैक्स, मतलब जो तलाशी होती है कैदियों की उससे रिलैक्स रहे, जेल से बाहर उन्हें रखा जाए और नमाजी टोपी मुलाकात के दौरान उन्हें दिया जाए और नमाज पढ़ने के लिए सामूहिक सभी को बाहर निकाले। करीब 23 सिमी के आतंकी कैद है, जिनमें से 4 ने यह जो हड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें अबू फैजल, कमरान शिवली और कमरुद्दीन शामिल है। और अभी यह भूख हड़ताल पर बीते 2 दिनों से केंद्रीय जेल में बैठे हुए हैं। अब यह देखना होगा कि आखिरकार इस बार ये कब तक हड़ताल करते हैं और इनकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है, जो पूरी तरीके से इल्लीगल बताई जा रही है। जी बिल्कुल दीपक, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। इधर छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी की टीम बड़ी तेजी के साथ कार्रवाई कर रही है। ईडी ने आज महादेव सट्टा ऐप के 2 आरोपी अमित अग्रवाल और नितेश टीबरेवाल को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 17 जनवरी तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। मालूम हो कि महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर रवि उप्पल को दुबई से भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। ईडी ने रायपुर के स्पेशल कोर्ट में आवेदन लगाया था और इस आवेदन को स्वीकार भी कर लिया गया है। तो जो आवेदन ईडी ने रायपुर के स्पेशल कोर्ट में लगाया था, उस आवेदन को स्वीकार कर लिया है और इसी वजह से महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर रवि उप्पल को दुबई से भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। लगातार एक्शन ईडी का इस मामले में जारी है और 17 जनवरी तक दोनों आरोपियों को ईडी के रिमांड पर भेज दिया गया है। सट्टा ऐप के प्रमोटर रवि उप्पल को लेकर भी ये खबर सामने आ रही है कि दुबई से रवि उप्पल को भारत लाने का रास्ता भी साफ हो चुका है। एक आवेदन रायपुर के स्पेशल कोर्ट में ईडी ने लगाया था और इस आवेदन को स्पेशल कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है। संवाददाता टिकेश वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। टिकेश, रास्ता साफ है, अब रवि उप्पल को भारत लाया जा सकेगा और रिमांड भी बढ़ा दी गई है? जी निश्चित तौर पर, देखिए एक के बाद एक लगातार ईडी इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर, महादेव सट्टा ऐप को लेकर के जिस तरीके से जो छत्तीसगढ़ में साम्राज्य फैला था, चाहे वो सौरभ चंद्राकर की बात हो, रवि उप्पल की बात हो या फिर शुभम सोनी की बात हो, लगातार एक एक दर पदर जो राज है वो खुलते नजर आ रहा है। और ईडी ने इसी तारतम्य में पूछताछ में 2 आरोपियों को फिर से गिरफ्तार किया। आरोपियों को रायपुर के स्पेशल कोर्ट में आज पेश किया गया, जहाँ पर विशेष न्यायाधीश ने करीबन 17 जनवरी तक ईडी को रिमांड के लिए भेज दिया। और अमित अग्रवाल और नितेश
किबरेवाल ईडी के हिरासत में लिए गए हैं। इस पर इस पूछताछ में और कई अहम खुलासे होने के आसार जताए जा रहे हैं। हालांकि ईडी लगातार एक के बाद एक पूछताछ कर रही है और खुलासे होने के बाद उन तमाम लोगों से भी पूछताछ कर रहे हैं, तो एक के बाद एक दर पदर जो मामले खुलते जा रहे थे और कहीं ना कहीं आने वाले समय में कई बड़े नेताओं के नाम भी और भी उजागर होने के बाद सामने आ रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज जो पूछताछ हुई है और जिस तरीके से ईडी को रिमांड के लिए दिया है इन दोनों आरोपियों को, और पूछताछ होगी, पूछताछ पर और अहम सबूत सामने निकल कर आने की संभावना जताई है। जी बिल्कुल टिकेश, क्योंकि खुलासे लगातार रोजाना नए नए हो रहे हैं और ऐसे में रिमांड बढ़ा दी गई है और क्या कुछ खुलासे होंगे ये देखना भी बेहद दिलचस्प। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी मध्य प्रदेश के लाखों लोगों को राम मंदिर के दर्शन कराएगी। फरवरी से मार्च महीने तक ये अभियान चलाया जाएगा। सीहोर में बीजेपी की बैठक के दौरान ये बड़ा फैसला लिया गया है। हर लोकसभा क्षेत्र से कम 6,000 लोगों को दर्शन कराने का लक्ष्य है। तो वहीं 22 जनवरी को देश भर में राम दीपावली भी मनाई जाएगी। हर घर में 11 दीपक जलाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। हर मंदिर में महाआरती होगी और पार्टी के बड़े नेता महाआरती में शामिल होंगे। इस पर बजरंग दल के पूर्व अध्यक्ष जयभान पवैया का कहना है कि 26 जनवरी के बाद हम यात्रा कराएंगे, जिस पर कांग्रेस ने तंज भी कसा है। 22 के कार्यक्रम में तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने जिनको आमंत्रित किया है लगभग 3,000 गैर संत विशिष्ट आमंत्रित महानुभाव जाने वाले हैं, 4,000 संत जाने वाले हैं। उस दिन अयोध्या धाम दर्शन योजना के लोग नहीं जाएंगे, 26 जनवरी के बाद में ही जाने का कार्यक्रम शुरू होगा। हमारी पार्टी भी सशुल्क सूचीबद्ध जिन दर्शनार्थियों को ले जाएगी वो हमारा कार्यक्रम 26 जनवरी के बाद ही बनेगा और फरवरी तक चलने वाला है। 22 तारीख के समागम को लेकर भारतीय जनता पार्टी दोहरा नहीं तीसरा आचरण कर रही, अपने ही नेताओं की आदेश की अवहेलना कर रही है। 6,000 लोगों को लेकर जाने के लिए उन्होंने सुनिश्चित किया है, स्पेशल ट्रेन चलाई है, उसका किराया फिक्स किया है 1,500 रुपये महीना। तो क्या इनके घर शादी है क्या? तो धर्म के आधार पर आप सरकारें बना रहे हैं ये साबित हो चुका है। और 22 जनवरी को पूरा मध्य प्रदेश राममय होगा। 22 जनवरी को मध्य प्रदेश में कई धार्मिक कार्यक्रम होंगे। धार्मिक न्यास धर्मस्य विभाग ने आदेश जारी किए हैं। कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन 22 जनवरी को मध्य प्रदेश में किया जाएगा। सभी मंदिरों में कीर्तन भंडारे का आयोजन होगा। घरों और मंदिरों में दीप प्रज्वलित कराए जाएंगे। श्री राम जानकी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की लाइव स्क्रीनिंग होगी और इसके साथ ही दीपोत्सव के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। 14 जनवरी से 21 जनवरी तक विशेष सफाई अभियान भी प्रदेश भर में चलेगा और इसके साथ ही 22 जनवरी का दिन जो बेहद खास होगा, पूरा प्रदेश राममय नजर आएगा। और अयोध्या के महाभंडारे के लिए राम के ननिहाल से महाभोग भिजवाया जा रहा है। चावल और दाल के बाद अब सब्जियों को रवाना किया जा रहा है। 101 टन सब्जियां प्रदेश से अयोध्या भेजी जानी है। दुर्ग के कुम्हारी से इसकी शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री साय ने 2 ट्रक टमाटर को केसरिया ध्वज दिखाकर रवाना किया। बातचीत की हमारे संवाददाता ने। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है और छत्तीसगढ़ जो कि एक माता कौशल्या की भूमि है, तो क्यों ना भाचा राम के घर में कुछ ना कुछ सौगात भेजा जाए। तो छत्तीसगढ़ की जो सरकार है यहाँ से जो है सब्जियों का जो ट्रक है भर भर के भेज रही है। छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान का जो ये ट्रक है अब यहाँ से जो है सीएम जो साय है वो यहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे और यहाँ से रवाना होंगे। क्या सब्जी है भाई साहब? इसमें टमाटर है सर। अच्छा, कितना टमाटर है इसमें? इसमें 10 टन। कैसा महसूस हो रहा है? आप लोग कहीं ना कहीं उस काम कार्य में भागीदार होने जा रहे हैं जैसे कि हनुमान। हाँ, हनुमान जी सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, कब तक पहुंचेंगे आप लोग? परसों शाम सुबह पहुंच जाएंगे सर। परसों इस ट्रक में भी यही है? हाँ, टमाटर है, टमाटर इसमें भी है। कैसा लग रहा है आप लोग उस वक्त अयोध्या में ही रहेंगे? बहुत बढ़िया लग रहा है अयोध्या में। अच्छा लग रहा है। चलिए, ये देखिए ये जो 2 ट्रक है कुछ ही देर में सीएम साय इसको हरी झंडी दिखाएंगे और अयोध्या ये पहुंचेगा और इसी टमाटर से सब्जी भी बनेंगी और चटनी भी बनेंगी, जिसका अयोध्यावासी समेत पूरे भारतवर्ष जो भी वहां पहुंचेंगे देश विदेश से भी वो इसी टमाटर के सब्जी का लुफ्त उठाएंगे। बंसल न्यूज़ के लिए दुर्ग से रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट।
ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले गए पहले टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 40 रनों से हरा दिया। कीवी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए तयशुदा 20 ओवर्स में 226 रनों का स्कोर खड़ा किया था। रन चेस करने उतरी पाकिस्तानी टीम 18 ओवर्स में कुल 180 रनों पर ऑल आउट हो गई। इसके साथ ही 5 टी20 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड ने 1-0 की लीड ले ली है। न्यूजीलैंड की ओर से आतिशी बल्लेबाज डैरिल मिचेल ने महज 27 गेंदों पर 61 रनों की पारी खेली। कप्तान केन विलियमसन ने भी 42 गेंदों पर 57 रन बनाए। पाकिस्तानी कप्तान शाहीन अफरीदी ने 3, अब्बास अफरीदी ने भी 3 विकेट लिए। हालांकि शाहीन खासे महंगे साबित हुए, कीवी टीम ने उनके एक ओवर में 24 रन कोट दिए। पाकिस्तान की तरफ से पूर्व कप्तान बाबर आजम ने 57 रनों की इनिंग खेली और उनके अलावा कोई और बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। बाबर इस मैच में ओपनिंग करने की बजाय नंबर 3 पर खेलने उतरे। उनकी जगह मोहम्मद रिजवान के साथ ओपनिंग करने आए सईम अयूब ने महज 8 गेंदों पर 27 रन ठोके, लेकिन सईम ज्यादा देर विकेट पर नहीं टिक सके। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन टॉकिंग पॉइंट में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन इसी के साथ बने रहिए बंसल न्यूज पर, क्योंकि बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।